करीना कपूर एक बार फिर चर्चा में है। तैमूर के जन्म के बाद करीना वापस काम पर लौट चुकी है। शशांक घोष के निर्देशन में बनी वीरेदी वेडिंग के साथ करीना कपूर मां बनने के बाद वापसी कर रही हैं। प्रेगनेंसी के बाद ये उनकी पहली फिल्म है। रिहा कपूर और एकता कपूर द्वारा बनाई गई फिल्म में सोनम कपूर और स्वरा भास्कर भी मुख्य भूमिका में हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस अपलोड हुए हैं। इस तस्वीर में करीना अपने को स्टार सुमित व्यास के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। ये जोड़ी पहली बार पर्दे पर दिखाई देगी। सेट से तस्वीरें लीक हुई हैं। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। करीना सुमित को गले लगाकर दिलासा दे रही हैं। करीना थोड़ा भावुक लग रही हैं। इन फोटोज में करीना लूज शर्ट और हाई बन के साथ कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं। इस फोटो में सोनम कपूर और करीना पहली बार साथ काम करते नजर आएंगे और इस फिल्म में करीना और सोनम की बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म को सोनम की बहन रिया कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि तैमूर भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे, लेकिन करीना ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया था। ये मूवी अगले साल रिलीज होगी, जिसका बेबो के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 10 अक्टूबर को 63 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 1954 में चेन्नई में हुआ था। रेखा आज सबसे ज्यादा ग्लैमरस दिखती हैं। रेखा की जिंदगी में कई किस्से और राज दफन हैं। अपनी बायोग्राफी में रेखा ने दर्दनाक वाकया बयां किया है। ये वाकया महज 15 साल की उम्र में फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान हुआ। दरअसल एक रोमांटिक गाने की शूटिंग के लिए रेखा सेट पर पहुंची थी। वहां जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, एक्टर बिस्वजीत ने उन्हें होठों पर किस करना शुरू कर दिया और ये किस 5 मिनट तक चला। कैमरा लगातार रोल होता रहा और डायरेक्टर ने कट भी नहीं बोला। यूनिट के सदस्य सीटियां मार रहे थे। इसके बाद एक किस्सा रेखा और विनोद मेहरा की शादी के दौरान हुआ। जब वो दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे तो रेखा की सास कमला इस शादी से बेहद नाराज थी। जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तुरंत उनकी सास ने उन्हें ढकेल दिया। उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी निकाली और उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है। इस पर बीते कई सालों से कॉन्ट्रोवर्सीज बरकरार हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन कही जाने वाली माधुरी दीक्षित अपने एक्टिंग करियर को लेकर हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं। कभी वो अपने अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, तो कभी अपनी बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें एम्बैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। बड़ी बात तो ये है कि माधुरी जो 90 के दशक में खूबसूरती से किया करती थी सबको अपने हुस्न से घायल, और आज भी खूबसूरती के मामले में तमाम एक्ट्रेसेस उनसे पीछे हैं। उन्हें इस उम्र में भी जब छोटे पर्दे के डांस शोज में सभी के साथ फ्रेंडली बर्ताव करते देखा जाता है तो तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनके खुद के बच्चे उनसे अजीबोगरीब सवाल करके उन्हें सुर्खियों में ले आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि माधुरी दीक्षित अपनी मैरिड लाइफ को सालों से काफी बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं। इसके लिए उनकी काफी तारीफ भी होती है, लेकिन बच्चों के बर्ताव से वो कहीं ना कहीं हो जाती हैं एम्बैरेसमेंट का शिकार। जी हाँ, खुद इस बात को माधुरी भी स्वीकार कर चुकी हैं। दरअसल माधुरी के बच्चे उनकी पुरानी फिल्मों को देखकर, उनकी एक्टिंग को देखकर उनसे सवाल करते हैं कि आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो मम्मा। खैर, इन सवालों के पीछे वजह कोई भी हो, माधुरी के बारे में बातें तो होती ही रहती हैं, फिर चाहे वो अफवाहें हो या कुछ और। ऐसे में एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें माधुरी अपने बच्चों को गोद में लिए इन अफवाहों का खंडन करती है। माधुरी इस तस्वीर को शेयर कर इस बात का कंफर्मेशन देती है कि उनके प्रति उनके बच्चों का बर्ताव बेहद खूबसूरत है। बी टाउन की ये दुनिया बहुत ही बड़ी है। इस दुनिया से हर दिन एक नया चेहरा जुड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ
एक चेहरा इस इंडस्ट्री से गायब होता है। इस दुनिया में कमाया गया नाम और फेम आसानी से नहीं मिलते और फिल्मों की इस दुनिया में हर कोई स्टार भी नहीं बनता, क्योंकि इस तड़कती भड़कती जगमगाती दुनिया में चमकने के लिए खुद को इसकी आग में जलाना पड़ता है। लेकिन हर सितारे के साथ ऐसा हो ये जरूरी भी नहीं है, और इसी लिस्ट में शामिल है दिव्या भारती। जी हाँ, ये वही दिव्या भारती हैं जिनके जैसा बनने का ख्वाब एक्ट्रेसेस कई वर्षों तक देखती हैं। लेकिन कुछ एक एक्ट्रेसेस को छोड़कर बाकी सबके हाथ लगती है निराशा। इनकी एक खास बात ये थी कि ये जो भी फिल्म साइन करती थी वो हिट से बड़ी हिट हो जाती थी, और शायद इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इनकी किस्मत सातवें आसमान पर रहती थी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके प्यार में दिव्या भारती फना थी। जैसे जैसे दिव्या भारती की फिल्में हिट होती रहीं, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहीं, और इसी बीच उन्होंने शादी कर ली। गौर हो कि जिस वक्त उन्होंने शादी रचाई थी वो उनके करियर का चरम वक्त था। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त दिव्या भारती ने शादी रचाई थी उस वक्त उनका करियर तो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी रचाई थी वो है साजिद नडियाडवाला। खबरों की माने तो जिस वक्त दिव्या ने उनसे शादी रचाई थी उस वक्त साजिद अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि अभिनेत्रियां उन्हीं से शादी रचाती हैं जो पीक पर होते हैं, लेकिन दिव्या ने इसके उलट किया। साजिद के प्यार में फना दिव्या ने उनके करियर की ना देखते हुए 20 मई साल 1992 में उनसे शादी रचा ली थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।